पूरी खैराती मीडिया आज जो कल जो पप्पू यादव पर भौं भौं कर रही थी आज चुप हो गई। क्यों? क्योंकि पप्पू यादव के महिमा मंडन से तेजस्वी यादव का कद घटता, इसीलिए आप देखिए कि चिरकुटों की टोली पप्पू यादव का नाम लेना बंद कर दी। इस चीज को समझिए, ये कैसे खेल करते रहे, इस खेल को समझिए। ये 2 दिन तक पप्पू यादव पप्पू यादव पप्पू यादव को बाप बना रहे थे, पप्पू यादव को 2 दिन पहले तक बाप बना रहे थे, पप्पू यादव सुपर हीरो बन रहा था। आज पप्पू यादव का नाम लेवा नहीं है, क्यों? क्योंकि इन्हें समझ में आया कि पप्पू यादव का नाम लेने से तेजस्वी यादव को घाटा हो सकता है, इसीलिए चुप हो गए। और इन चिरकुटों को पता ही नहीं था कि पप्पू यादव को अरेस्ट किया गया है मधेपुरा के एक पुराने केस में, एक्स्ट्रा जो किडनैपिंग के केस में। तो झूठ फैलाए इन लोगों ने, ये हमेशा इसी ढंग का काम करते हैं। अब यहां भी देखिए, श्रीनिवास को झूठ फैलाया, श्रीनिवास को हाईकोर्ट के आदेश पर किया गया, लेकिन कह रहे हैं कि मोदी परेशान कर रहा। तब आपको समझ में आएगा कि फैक्ट क्या है। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि इन लोगों की पहचान जरूरी है और इनसे सतर्क रहने की जरूरत है कि क्या ये भ्रम फैला रहे हैं, ये भ्रम कैसे फैला रहे हैं और कैसे नित्य नए। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि लोग, रमेश पटेल जी कह रहे हैं कि लोग नए नए बाप बनाते हैं रोज। इसे कंक्लूड कर रहा हूं आपको इस विषय को, लेकिन इस चीज को समझिएगा कितना खतरनाक है। जो लोग इस बीमारी में मरते मरते बचे, वो सब बचने के बाद फिर षड्यंत्र में लग गए अपने आका के लिए। क्यों? क्योंकि आकाओं ने कहा कि श्रीनिवास को फंसाया जा रहा है, राहुल गांधी ने कहा कि मारने वालों से बचाने वाला बड़ा होता। अपने क्या कहेगा बेचारा, इतनी बुद्धि कहाँ है कि लिखेगा वो। रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो पूरी खैराती मीडिया, खैरात पर पलने वाले जो सालों तक पलते रहे, खलियर हो गए वो भी, और जो अभी किसी तरह से नौकरी कर रहे हैं वो भी, ये सब के सब आ गए कि मोदी जो है श्रीनिवास को फंसा रहा है। मतलब मोदी के पास इतना ही टाइम है, कोई और काम नहीं उसके पास, इतना सब कुछ हो रहा, सब इसी में लगा हुआ है। इन चिरकुटों की बात, जैसे एक दो कौड़ी का पत्रकार था, प्राइम टाइम करता था, वही क्रांतिकारी जो अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत क्रांति सेटिंग कर रहा था, वीडियो लीक हो गया, वो जब नौकरी से हटाया गया एक एक बड़े चैनल से, तो कहा 500 करोड़ का सौदा, मतलब मोदी ने उसके लिए 500 करोड़ का सौदा किया। फिर जब एक चिरकुट चैनल में गया, वहां से जब निकाला गया तो कहा 250 करोड़ का सौदा। अब वो जब वहां से निकाला, जिस प्रोग्राम को करता था वो कोई नई नवेली लड़की को उठा करके ले आया, उससे ज्यादा टीआरपी दिया, तो मतलब तुम्हें क्यों मालिक चैनल रखेगा जब तुम किसी लायक नहीं हो। अब ये सब खलियर सब यूट्यूबर्स बन गए, तो इन खलियरों ने झूठ फैलाना शुरू किया, इसीलिए इन खलियरों को पहचानी। और मुझे लगता है कि आधा काम इन खलियरों के पहचान लेने से है कि सालों तक ये कैसे झूठ फैलाते और सालों तक इंडियन जर्नलिज्म कैसा रहा, यह आपको समझ में मुझे लगता है बहुत तरीके से आ गया होगा। इसे इसीलिए मैंने पूरे दोनों मामले को रखा कि सोचिए, किसान आंदोलन के नाम पर क्या फरेब लेता रहा, इस किसान आंदोलन से कोरोना फैला, इस किसान आंदोलन में भीड़, मतलब भीड़ से ही बात कही जा रही ना, तो हरिद्वार का भीड़ गलत था और किसान आंदोलन में तुम ये भीड़ जो से जस्टिफाई कर रहे हो, कमाल है। मतलब बंगाल में तुम कह रहे हो, ये देखो ये चिरकुटों को देखिए, बंगाल में तुम कह रहे हो कि मोदी सरकार ने चुनाव कराया, गलत हुआ, चुनाव आयोग को नहीं करना चाहिए था। तुम क्या कर रहे थे बे, किस चैनल से काम जा रहे थे तुम चिरकुट लोग क्या कर रहे थे बंगाल में, लोटपोट, बस में कोरोना फैला रहे थे, ट्रेन में कोरोना फैला रहे थे। इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि ये लोग आवाज उठाते हैं कि चुनाव जो है बंगाल में हुआ, क्यों हुआ, इन्हें 5 राज्यों के चुनाव से कोई फर्क नहीं था, बंगाल के चुनाव से कहीं मतलब हारा जाए बीजेपी। अब इस बात को सोचिए कि बंगाल, बोलने का अधिकार किसको होना चाहिए जो नैतिक रूप से थोड़ा सा ईमानदार हो। तुम खुद भीड़ में बिना मास्क के, मतलब ये एक के बारे में नहीं कह रहा हूं, इन चिरकुटों को देखिए जो कह रहा है, तुम भीड़ में क्या करने गए, तुम कौन सी क्रांति करने गए थे। मैं भी यूट्यूब चलाता था, मैं क्यों नहीं गया बंगाल, मैं भी जा सकता था, क्यों जाऊंगा भाई। और तुम तो संपादक बनते थे, यदि बुद्धि होती तो विश्लेषण करते, बुद्धि तो है नहीं क्योंकि पढ़े लिखे नहीं तुम लोग, लेकिन तुम लोग पैसा लेके गंद फैलाओगे। इसीलिए कह रहा हूं कि इस चीज को पहचानने की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है कि ये खेल क्या हो रहा है। और इसीलिए मैंने दोनों को जोड़ करके दिखाया कि आज न कल पप्पू यादव 32 साल पुराने मामले में गए। आपके पाप की सजा तो मिलती है, आगे आगे देखिए होता है क्या।